नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल मिसावी यूनिवर्स। आई एम मौलिक गोस्वामी योर गाइड इन दिस शॉर्ट वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अल्कोआ प्लस प्लस। आप सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा एंड आई एम श्योर बहुत से लोगों को पता ही होगा। स्टिल देर इज ऑलवेज अ रूम टू नो समथिंग, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वॉट इज अल्कोआ प्लस प्लस। अगर कोई मुझसे पूछे एंड इफ आई हैव टू डिस्क्राइब इट इन अ सिंगल लाइन देन आई विल से इट्स एन एबीसीडी ऑफ अ फार्मा एम्प्लॉय। अगर आप फार्मा को सर्व करते हो तो कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स लाइक ऑडिट्स, 21 सीएफआर, कंप्लायंस, डेटा इंटीग्रिटी, अल्कोआ प्लस प्लस आए दिन सुनने में आते होंगे और ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। हम एक चेन ऑफ वीडियोस बना रहे हैं जिसमें ये सब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और आज हम बात करेंगे अल्कोआ प्लस प्लस की। नाउ डेटा इंटीग्रिटी कैन बी डिफाइंड बाय अल्कोआ प्लस प्लस, मतलब अल्कोआ प्लस प्लस प्रिंसिपल फॉलो करके मुझे पता चल सकता है कि मेरा पर्टिकुलर डेटा पूरी तरीके से डेटा इंटीग्रिटी फॉलो करता है या नहीं। सो व्हाट इज अल्कोआ प्लस प्लस? नाउ ए स्टैंड्स फॉर एट्रिब्यूटेबल, एल स्टैंड्स फॉर लेजिबल, सी स्टैंड्स फॉर कंटेम्परेनियस, ओ ओरिजिनल। इन सबको ब्रीफ मतलब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देख लेंगे। ए स्टैंड्स फॉर एक्यूरेट, सी स्टैंड्स फॉर कंप्लीट, अनदर सी इज कंसिस्टेंट, ई स्टैंड्स फॉर एंड्यूरिंग एंड लास्ट ए स्टैंड्स फॉर अवेलेबल। क्विकली मूविंग अहेड, व्हाट इज ए फॉर एट्रिब्यूटेबल? कोई भी डेटा जो जनरेट होता है, कोई भी COA, क्रोमेटोग्राफी रिपोर्ट, वो पर्टिकुलर डेटा किसने जनरेट किया और कब जनरेट किया ये डिटेल होनी ही चाहिए। सो हु परफॉर्म्ड एंड व्हेन परफॉर्म्ड आर एट्रीब्यूट्स जो होना ही चाहिए। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ऑडिट ट्रायल। सॉफ्टवेयर के ऑडिट ट्रायल से हमारा डेटा एट्रीब्यूटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज एल फॉर लेजिबल? कोई भी डेटा जो जनरेट होता है वो रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं चाइनीज रिपोर्ट सबमिट करूंगा तो आई डाउट आपको कुछ समझ आएगा या नहीं। एंड इट शुड बी परमानेंट, मीन्स डेटा लाइफ साइकिल जो डिफाइन की हो SOP में वो ड्यूरेशन में वो डेटा अवेलेबल होना ही चाहिए। थर्ड, सी स्टैंड्स फॉर कंटेम्परेनियसली रिकॉर्डेड। एज द नेम सजेस्ट, कंटेम्परेनियस मीन्स एट द सेम टाइम, मतलब जब भी डेटा जनरेट हो उसी टाइम पे वो रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी डेटा डेट एंड टाइम स्टैम्प होना ही चाहिए। कोई भी बैकडेटेड डेटा नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कोई भी बैकडेटेड काम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज ओ फॉर ओरिजिनल? मीन्स मैं कोई भी काम करता तो उसका सोर्स डेटा या मैं बोलूँ कि प्राइमरी डेटा एज इट इज रहना चाहिए। रो डेटा मेरा जो भी हो उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही रहे और जब चाहूँ मैं उसे एक्सेस कर सकूँ। नाउ फिफ्थ इज ए फॉर एक्यूरेट। मेरा डेटा जो जनरेट हो उसमें कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कोई भी चेंज कर रहा हूँ डेटा में तो वो प्रॉपरली कैप्चर होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए एज पर माय कंपनीज SOP, मतलब कि एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। नाउ कम्स द प्लस प्लस पैरामीटर्स। फर्स्ट इज सी, विच स्टैंड्स फॉर कंप्लीट। मेरा जो डेटा जनरेट हो वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन के साथ होना चाहिए, उसके मेटा डेटा होने चाहिए। नाउ व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा इज योर डेटा रिलेटेड टू योर डेटा। फॉर एन एग्जाम्पल, HPLC डेटा हो तो उसकी मेथड कौन सी है, पैरामीटर्स कौन से है, मेथड मॉडिफिकेशन कितनी बार किया, ऑडिट ट्रायल, ऑल सच इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल। सो आर डेटा शुड बी कंप्लीट। नेक्स्ट, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंट। इफ आर डेटा इज रिपीटेड इट शुड नॉट बी चेंज, इट शुड बी कंसिस्टेंट एंड इट शुड बी ट्रेसेबल ऑल्सो। जहाँ मुझे एक फिक्स्ड वर्क फ्लो में काम करना है वहाँ डेटा में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इज ई, विच स्टैंड्स फॉर एंड्यूरिंग। मैंने मेरे डेटा की एक लाइफ साइकिल डिफाइन की होगी, टेक 5 years फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो 5 years तक वो डेटा एज इट इज विथ ऑल इट्स इंफॉर्मेशन वो मेंटेन होना चाहिए। हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, डेटाबेस करप्ट हो गया, ऑल सच इश्यूज शुड नॉट बी देयर और अदरवाइज इट शुड बी हैंडल्ड परफेक्टली। सो माई डेटा शुड लास्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। एंड लास्ट इज अवेलेबल। डेटा शुड बी अवेलेबल थ्रू आउट इट्स डेटा लाइफ साइकिल।
कभी भी कोई भी डेटा मुझे देखना हो तो अवेलेबल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए फॉर एनी पर्पस लाइक रिव्यूइंग और ऑडिटिंग. सो दिस इज व्हाट अल्कोआ प्लस प्लस मीन्स. टू समराइज इट इन अ वन वर्ड और टू वर्ड्स आई विल से एट्रिब्यूटेबल मीन्स किसने किया और कब किया. लेजिबल मतलब वो रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए. कंटेम्परेनियस मीन्स डेट और टाइम स्टैम्प होना चाहिए. ओरिजिनल मीन्स रो डेटा या प्राइमरी डेटा अवेलेबल होना चाहिए. एक्यूरेट मतलब डेटा में एरर नहीं होनी चाहिए. कंप्लीट मीन्स सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सारे मेटा डेटा होने चाहिए. कंसिस्टेंट मीन्स थ्रू आउट सिमिलर रहना चाहिए. एंड्यूरिंग मीन्स डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए. और लास्ट वो रेडिली एक्सेसिबल होना चाहिए. आई होप दिस वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू. इफ यू लाइक आवर वर्क प्लीज सब्सक्राइब. इफ यू हैव एनी सजेशंस यू कैन गिव अस इन कॉमेंट. थैंक्स. धन्यवाद.